विगत 15 दिनों से नगर में 500 से अधिक परिवारों में सरकारी सुनामी की दहशत है। इन परिवारों के लोग ना तो सुख से सांस ले पा रहे हैं और ना ही इनकी हलक के नीचे भोजन पानी उतर रहा है। दहशत है सिर्फ अपने सिर से छांव करने वाले घर के टूटने की। राजस्व विभाग के द्वारा करीब 15 दिन पहले फरमान जारी किया गया कि नगर खसरा नंबर 22, 26, 40, 43, 45, 62, 64, 1, 69, 1, 71, 1, जो शासकीय घाट चारागाह भू जल मद में अंकित है उसे खाली कराया जाना है। जमीन पर लोग अतिक्रमण करके अपने मकान बनाए हुए हैं, इसके लिए राजस्व विभाग के द्वारा मुनादी कराई गई, लाल निशान लगाए गए, इसके उपरांत बेदखली के कागज भी थमा दिए गए। फरमान करीब 500 परिवारों को वितरित किए जा चुके हैं। जिस क्षेत्र में बेदखली के फरमान जारी किए गए वहां 500 से अधिक परिवार निवास करते हैं। करीब 10 वर्ष पूर्व सरकार के द्वारा से अयोध्या बस्ती को दर्जा देकर सीसी रोड का निर्माण, बिजली पोल, नल, जल सप्लाई लाइन का विस्तार, हैंडपंप खनन आदि सहित अनेक कार्य भी कराए। राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत इसी स्थान के पट्टे वितरित किए गए। करीब 90 घर को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला। इस वार्ड के अधिकांशतः गरीब मजदूर परिवार रहते हैं, जिसमें बीडी श्रमिक, रोज कमाने रोज खाने वाले परिवार हैं। करीब 100 परिवार अति गरीब रेखा के नीचे तो 250 घर गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों के हैं। करीब 20 वृद्ध महिलाएं भी अपने परिवार का लालन पालन यहीं पर रहकर कर रही हैं। आधे से ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। इस मोहल्ले में दहशत ऐसी कि स्कूल जाने वाला बच्चा, हाथ ठेला चलाने वाला श्रमिक, रोजी रोटी की तलाश में गया इंसान, यह विश्वास नहीं कि जब वह वापस जाएगा तो उसे अपने घर सही सलामत मिलेंगे। 70 वर्षीय वृद्ध विधवा मालती कोरी ने बताया कि 50 साल पहले यही डोली उतरी थी, यही पति की मौत हुई थी, अब हमारी अर्थी भी यहीं से उठेगी। यही हाल लगभग सभी का है, कोई 50 साल से तो कोई 40 साल से यहाँ रह रहा है। यशोदा भग्गोबाई ने बताया कि सुना था कि सरकार मकान बनवा कर दे रही है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई आपदा आई कि सरकार सबको बेघर करने तुली है। मुन्नीबाई विश्वकर्मा ने बताया कि बीड़ी बनाकर परिवार का लालन पालन चल रहा है, घर की छत बनवाई, अब इसे क्यों तोड़ने उतारू है, ये सरकार समझ में नहीं आ रहा है। चिकित्सक और समाज के सेवक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह राजपूत ने कहा, इस जमीन को प्रशासन क्यों खाली करवाना चाह रहा है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा। ये इस तरह से यदि मकान गिराए जाते हैं तो ये सरकारी सुनामी होगी, जब 500 परिवारों को रहने के लिए छत भी नहीं होगी, हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। शैलन सिंह राजपूत ने बताया कि आज के दौर में कोई परिवार किस तरह चला रहा है, कैसे मकान तैयार कर रहा है, एक साथ इतने परिवारों पर जब अतिक्रमण की गाज गिरेगी तो कैसी तबाही होगी, प्रशासन को सोचना चाहिए। नगर पालिका परिषद के द्वारा भी इस बैठक में इस क्षेत्र भूमि को आबादी वाला घोषित करते हुए अपना अभिमत प्रशासन तक भेज दिया है। हम लोगों को यहाँ पर गौरी शंकर वार्ड में 20-30 साल के पट्टे बांट दिए गए थे, लेकिन अभी इतना समय हुआ भी नहीं है। इसके पहले 5-6 साल पहले हम गौरी शंकर वार्ड में बेदखली नोटिस बांट दिए गए हैं और मकान खाली करने के लिए कहा गया है जबरदस्ती। हम पूरा गौरी शंकर वार्ड कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लेकर, पूरा परिवार है, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, पूरी जिंदगी भर की कमाई हम लोगों ने खाई नहीं है लेकिन मकानों में लगाई है। इसके बावजूद अब हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, न रहने की व्यवस्था है, न घर है, न कुछ भी नहीं है। कहाँ लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे बच्चे लेकर, बूढ़े भी हैं साथ में है। तो हम यहाँ धरना धर के बैठ गए हैं। अगर मकान खाली करवाना है तो पहले हम पूरे गौरी शंकर वार्ड की रहने की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम लोग खाली नहीं करेंगे। जो भी जैसी समस्या होगी यहीं पर निपटारा होगा, और बुलडोजर चलेगा तो पहले हम पूरे गौरी शंकर वार्ड के सदस्यों पर चलेगा, मकानों पर बाद में चलने देंगे। व्यवस्था की जाए तो हम लोग खुशी खुशी से मकान खाली करेंगे, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं होगी तो मकान खाली नहीं होंगे। जो पट्टे आप लोगों को दिए गए थे वो प्रशासन को आपने बताया नहीं सामूहिक तौर पर? नहीं, आप लोगों ने बताया था कि हर बार जाइए के गिनने हैं, यही में साहब ने हम अन्न खा रहे, पानी पी रहे, हम तो चिंता ही में मरे जा रहे हैं। बस हमें तो जाई परेशानी है, हर बार जो यही में चार दी फिर गिनने को फलाने के जा कर दिखाने के लिए, हर बार हमारा जागा जमीन है नहीं, सासरे माए जी में कुछ नहीं, हम तो यहाँ से बैठे। कितने समय से रह रहे हैं आप? हमें 50 साल हो गए, हमारे 4 मोड़ी हैं, 2 मोड़ा हैं,
शादी में बाल बच्चे हैं मंजूरी कर का जो है तो हमने उनके बुनिया मकान में लगा कर अब आ गए हमारे मार से अगर कोई बढ़ गया कठिन है ही नहीं मजूरी बनाओ सुखात है कि प्रशासन ने लगभग चंडी जी वार्ड में गौरी शंकर वार्ड में लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ बेदखली नोटिस दिए हैं, जबकि ये लोग लगभग यहाँ पे 30-40 साल से रह रहे हैं और इसमें लगभग सभी वर्ग के लोग हैं और गरीब लोग हैं, अति गरीब लोग हैं जो दैनिक अपनी दैनिक मजदूरी से अपना जीवन चलाते हैं और शासन ने नोटिस दे दिया है, लेकिन इनको शासन की कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि अगर इनको हटाया जाए तो इनको भविष्य में कहाँ शिफ्ट किया जाए, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने दैनिक जो मजदूरी करते हैं दिन और प्रतिदिन एक ही सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं और शाम को अपना चूल्हा जलाते हैं, क्या तो कहाँ जाएंगे? क्या मांग है आप लोगों की? ये मांग है कि प्रशासन को, शासन को, सत्ता को एक मानवीय पक्ष का ध्यान रखते हुए, मान और अपमान से ऊपर उठते हुए लोगों के हित में सोचना चाहिए और इस तरीके का अतिक्रमण, ये लोग जो रह रहे हैं, ये अतिक्रमण हटना नहीं चाहिए और लोग अगर सरकार की कोई बहुत अच्छी कोई प्लानिंग है तो लोगों को पहले विस्थापित करने का पूरा प्लान जनता को दे, लोगों को व्यवस्थित तरीके से विस्थापित करें। अगर ऐसा कोई प्लान सरकार करती है तो अलग बात है, अदरवाइज ये अन्याय है और जनता के साथ ये अन्याय है और इसके लिए सभी लोग एक साथ है और आगे भविष्य में साथ रहेंगे। अगर जिस भी हद तक जाना पड़ेगा लोग एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हटा से भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।